हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से पावनी का पहला, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 6। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी जल्दी से हो रही है आजकल, क्योंकि मेरे चल रहे हैं एग्जाम, बीए फाइनल ईयर। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो मैं मिलती हूँ तैयार होने के बाद, मेरे ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो मैं हो गई हूँ तैयार, अब मैं जा रही हूँ कॉलेज को। बाय अम्मा। तो मैं पहुंच गई हूँ चमखेत। मौसम पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो मेरे को आजकल डेली पैदल पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई गाड़ी जाती नहीं है, क्योंकि सुबह सवारी तो 9 बजे तक आते हैं सारे लोग। तो मुझे जाना पड़ता है गामा स्टेशन तक पैदल, फिर वहाँ से तो जाती है कोई हल्द्वानी वाली गाड़ी, और कोई सुबह सुबह दुकान वाले जाते हैं। तो कल रात बारिश की वजह से पूरा कोहरा लग चुका है, पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, क्योंकि आजकल डेली बारिश हो रही है, तो सुबह सुबह रोज कोहरा लग जा रहा है इसलिए। ये देखो, पूरे रास्ते में घास ही घास हो रही है। ओस कुनंज है रत्तभा ओस पेड़पुर रहे। तो अब बहुत अच्छे धान भी हो चुके हैं यहाँ पे, लोग शाम शाम को तो नेलने भी आते हैं। मौसम अच्छा हुआ तो, नहीं तो आजकल तो डेली ही बारिश हो रही है, लोगों को धान मिलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो चमखेत से तो बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं, सीढ़ीदार खेत। आज तो पीछे पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, पूरा कोहरा लग रखा है, देख सकते हैं आप लोग ये। और खेत तो यहाँ पे इतने मस्त हैं, पूरे सीढ़ीदार। तो अब मैं जाती हूँ आराम आराम से, क्योंकि फिर मेरे को लेट भी होगा, 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम है। फ़ोन तो ले जाना अलाउड नहीं है कॉलेज में, तो फ़ोन मुझे मार्केट रखना पड़ेगा, फिर मैं शायद ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। कॉलेज दिखाऊँगी करके तो मैंने वैसे सोचा था पहले ब्लॉग में, तो फ़ोन अलाउड नहीं था, क्योंकि सर का फ़ोन पहले ही आया था कि फ़ोन कॉलेज में मत लेके आना। कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा कोहरा लग रखा है, ये इस साइड तो इतना ज़्यादा लग रखा है ये, और इस साइड को कम लग रखा है ये। तो अब मैं चलती हूँ थोड़ा फास्ट फास्ट, तो मिलते हैं अभी। तो दोस्तों, मैं पहुँच गई हूँ सीमल के पेड़ पे। मेरे को काफ़ी थकान और काफ़ी गरम भी हो गया है, चलते चलते आफत आ गई मेरी। अभी तो बहुत ज़्यादा चलना है मेरे को, अभी तो मैं 2 किलोमीटर चल रखी हूँ, अभी तो 3 किलोमीटर और चलना है मेरे को। तो मैं पहुँच गई हूँ हरियात के धारे पे। हमें को इतना गरम हो गया, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ यहाँ पे। चलते चलते मेरी आ गई आफत, पानी का नल भी नहीं खुल। तो मैंने पी लिया है पानी, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ पे, आज तो कम हो रहा है शायद, वरना वहाँ से भी आता है, आज नहीं आ रहा वहाँ पे, क्योंकि शायद यहाँ पे कल ज़्यादा यूज़ किया होगा पानी का। तो अब मैं जाती हूँ ऊपर को।
गामा स्टेशन को। तो मैं पहुंच गई हूँ सिलंग के पेड़ पे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ये पेड़, एकदम घेरदार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ को तो थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रखी है। अब यहाँ से तो थोड़ा ही है, 10 मिनट का रास्ता। तो ये है सिलंग का पेड़ और वहाँ आगे पे मंदिर भी है, चौड़ागोल का है मंदिर। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी धूप आ रखी है, नीचे को तो अभी अब थोड़ा थोड़ा कोहरा भी लग रखा है। तो मैं पहुंच गई रामलीला के फील्ड में। तो अब गामा स्टेशन पहुंचना थोड़ा सा ही है, 2-3 मिनट लगेंगे शायद, ज्यादा से ज्यादा। तो हम रात को इतना चल के आते हैं यहाँ पे रामलीला देखने, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी रामलीला होती है। तो मैं पहुंच गई हूँ बेरीनाग, अभी मेरे फ्रेंड लोग नहीं आए, वो तो बेरीनाग ही रहते हैं। तो मैं आ गई एग्जाम देके, फोन तो मैंने यहीं रख दिया था गणेश चौक पर पहुँच के, क्योंकि लेट हो गई थी थोड़ा, तो यहीं रख दिया था फोन। तो अब हम बैठ गए गाड़ी में, हम जा रहे हैं घर को, अभी सवारी नहीं हुई है, तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम उतर गए, अब यहाँ से जाना है और पैदल। तो अब हम यहाँ से सब पैदल जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी फंस रही है। और धूप भी बहुत तेज लग रखी है अभी, क्योंकि गाड़ी तो घर तक जाती है, इसलिए हम लोग उसी में जा रहे हैं। यहाँ पे रोड खराब हो रही है, सिर्फ ज्यादा तो नहीं हो रही है, सिर्फ यहीं पे हो रही है हड़ियात में, नीचे को तो सही है फिर। और यहाँ से काफी अच्छा व्यू आ रहा है। ये सब लोग पैदल चल के आ रहे हैं, गाड़ी अभी पहुंची ही नहीं हमारी। तो आ गई है गाड़ी। हाँ बिलात बिलात। तो अब हम बैठ गए गाड़ी में। तो ये देखो ये बिलात वाले हैं, ये यहाँ पे उतर गए और ये सामान भी लेके आए, बक्सा वगैरह। यहाँ पे कालिका मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था पहले ब्लॉग में। प्याज पका खाल हो रही जी गिला रोन तुम बात हो। तो यहाँ पे बुबू जी हमारे टिकट दे रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं। 70 ही है नबू, बहुत बे 70 रुपए। 80 भी हो 80 भी हो। ओए 10 रुपए कम क्यों? पेपर ही रात ही लगी। 6 बजे लगी हूँ, 9 बजे है मेरे पेपर में। ओबू बाय बाय कहो पे, बाय बाय। हमारे बुबू जी है ये, बाय बाय। ये हमारी अम्मा है। गाड़ी यहीं तक जा रही है, सेवा समाप्त हो चुकी है हमारी, क्योंकि आगे पूरी रोड खराब हो रही है। अब हम उतर गए हैं गाड़ी में से डिन में। अब देना है टिकट, कद को नो टिकट। तो सब लोग टिकट दे रहे हैं। तो ये देखो ऐसी रोड हो रही है यहाँ पे, इसलिए परवीन बू गाड़ी इधर को नहीं लेके आ रहे हैं। तो आज मौसम भी काफी अच्छा रहा, बारिश नहीं आई। तो वहाँ नीचे आरती है, हेलो क्या? ये देखो ये है हमारी मुन्नी अम्मा, हेलो मुन्नी अम्मा। हाथ में जरकिन है, कुछ नहीं लाया।
मुन्नी अम्मा ये ऊपर कौन नहीं लिखा ला रहा है। ये है हमारी हिमा अम्मा, वो है नवीन। नवीन को बहुत ज्यादा बुखार आया है, वो हॉस्पिटल गया था। हिमा अम्मा को भूख लगी है, हिमा अम्मा कुरकुरे खा रही है, कुरकुरे खा रही है, कुरकुरे खा रहे हैं, इसका बुरबुरे नहीं है। घर को नीचे को बाय बाय मुन्नी अम्मा, हिमा अम्मा, ओके मिलते हैं बाद में। तो ये लोग चले गए उधर को डूमर खेत को। तो दोस्तों मैं अभी पहुंचने वाली हूँ घर, पहुंच चुकी हूँ। और मेरी अम्मा रख रही है गोट में लकड़ी, दिन भर सुखाई होगी क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप आई थी। हेलो माँ, हेलो हेलो गो। तो दगड़ियो एल बजरियान ब्याह के 6:30 और हम जम रहे हैं पन्हार। लक्ष्मी और आरती मैं, तो आज मैं ले जा रहा हूँ घड़ा बहुत दिनों के बाद। ये है आरती बेसरम जो एक गैलन लेके आ रही है बेसरम कहीं की। हाँ इतना बड़ा। तो अब हम जा रहे हैं धारे को, तो लक्ष्मी भी लेके आ गई घड़ा। तो अब हम चल रहे हैं धारे को। चल किस चीज से हो रही है तेरे को थकान? हाँ आरती को बीच में अच्छा लगता है क्योंकि वो छोटी छोटी है छुटकन। अरे मिशा जो बड़े हो जाऊंगी ना लंबी भी होता हूँ। आज तो बड़ी बांध दिख रही है। क्रीम पाउडर घसनी की लाने मुंह पे हाथ चलाती है ना इसलिए ज्यादा गोरी हो गई है। क्या कर रही है? सर बोलते हैं इतना मत कर, एक ही दिन में इतनी गोरी नहीं होगी। अच्छा ऐसे भी तो बोलते हैं। चल आरती एक बार क्रीम पाउडर कर दो। क्रीम पाउडर घसनी की लाने मेरी निर्मला समझ की लाने। एंजॉय चल रहा है धारे जाते टाइम है। भांग के पेड़ छोड़ दो, ये लक्ष्मी लोगों का कद्दू देख यार। हमारे कद्दू भी नहीं, ये लक्ष्मी ने इतना बड़ा कद्दू होने दिया और किसी को खाने के लिए नहीं दिया। ऐसी है ये लक्ष्मी। उसमें कीड़ा भी लग गया देखना ना, अब खाऊंगी। कीड़ा खा है क्या बोल दिया? कीड़ा लगेगा फिर खाऊंगी बोला। ऐसी बोला था ना लक्ष्मी। तो हम पहुंच गए रोड में, आरती डांस कर रही। क्रीम पाउडर घसनी की लाने मेरी निर्मला समझ की लाने। सब नस गई तू ले नसीजा। तो इसका एंजॉय चल रहा है यहाँ पे। ये लड़की पागल है पागल है। और यहाँ रोड पूरी ऐसी हो रखी है, रोज ट्रैक्टर ने ज्यादा ही। मेरा पैर डूब क्या क्या रणनी दे जा रणनी खसा खस। टाइगर 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 मत कर, काटेगा वो कहीं। मैं तो कभी नहीं काटता हूँ मनीषा। अगर तेरे कुत्ते ने हमें काटा टाइगर कभी नहीं काटता। काट देंगे वैसे ना। तो ये मनीषा का कुत्ता मेघा का जो नीचे धारे पे पानी भर रही है और वो मेरी दोस्त है और उसका कुत्ता मेरे को कुछ नहीं करता। आरती बोल रही है वो मेरा दोस्त है। अच्छा टाइगर काटना मत। हाँ तो ये है लक्ष्मी और आरती की फ्रेंड मेघा। ये सब एक क्लास में पढ़ते हैं। एक ही क्लास में पढ़ते हो? तो मैं पहुंच गई धारे पे, अब मैं भर रही हूँ पानी। अब हमने भर दिया पानी, अब हम जा रहे हैं घर को। ये लोग पानी पी रहे हैं, पहले ग्लास में दे रही है मेघा इनको पानी। कहाँ से लेके आई है मेघा तू ग्लास? पता नहीं किसके लिए आती थी, किसी के काम वालों के। तो हम पहुंच गए हैं घर। तो काफी शाम हो चुकी है और मेरी अम्मा घूम के आ गई है। हेलो अम्मा, हेलो अम्मा। ये देखो अम्मा आके हाथ पैर धो रही है। यहाँ पे आ गई ना, कहाँ घूम के आए? दाणों को
कौन कौन थे, कितने अम्मा लोग थे? चार पांच। तो अम्मा रोज डेली घूमने जाती है शाम के टाइम 4 बजे और 6 बजे घर आती है। तब तक घर का कोई मतलब नहीं रहता है मेरी अम्मा को। कौन ला तो गई हूँ देखिए। तो अब आरती भी जा रही है घर को, बाय। तो अब काफी शाम भी हो चुकी है, बैकग्राउंड भी अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, बाय। तो सब लोग भले रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। जय देवभूमि उत्तराखंड। हाँ।